हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच यू चैनल में। हम लोग देख रहे हैं 2009 का एंट्रेंस पेपर, तो क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवधारणा बाकी तीनों से मेल नहीं खाती है? तो यहाँ पे आत्मबोध, आकांक्षाएँ, उपलब्धि की चाहत, ये तीनों संबंधित एक दूसरे से, लेकिन साधारण तर्क, ये ऑप्शन अलग है क्वेश्चन नंबर, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, एक खिलाड़ी द्वारा तैरना सीखने की प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा स्पष्ट करता है? तो ये प्रयास और त्रुटि के द्वारा ये संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है 68 का, एस आर सिद्धांतों के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। तो एस आर सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है अध्यापक है। अगला क्वेश्चन है 69, बोधात्मक क्षेत्र के अधिगम सिद्धांतों का मुख्य कारक है। तो ये डोमिनेंट फैक्टर इज द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग इज, तो ये परसेप्चुअल बोधात्मक पुनर्व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो शारीरिक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो मांसपेशियों का तंत्र है, जबकि सामान्य मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग कर सकता है? तो शिक्षण विधियों को प्रयोग सृजित करने और उसको चयन करने में अध्यापक मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकता है कि किस लेवल पे वो कौन सी मेथड अपनाए। क्वेश्चन नंबर 72, मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? तो मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है मानव व्यवहार है। अगला क्वेश्चन 73, कि एक बालक जो अक्सर प्रक्षेपण का रक्षा उपागम के रूप में प्रयोग करता है कक्षा में फेल हो गया, उसकी प्रतिक्रिया निम्न में से क्या होगी? जो लोग इस प्रकार का यूज करते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म, वो बोलते हैं कि अरे मेरा तो इवैल्यूएशन ही बहुत टफ हुआ था इसलिए मैं फेल हो गया, मतलब हमेशा अपने आप को बचाने का प्रयास कुछ न किसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, संयत रूप से मानसिक पिछड़े बालकों में से निम्न में से कौन सा पद संबद्ध है? तो ये ट्रेनिबल या फिर प्रशिक्षणीय शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 75, मध्य अध्येता पालकों की श्रेणी में बच्चों को निम्न में से क्या कर सकते हैं? तो ये बच्चे अपनी उम्र से कम उम्र वाले बच्चों की कक्षा में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विशिष्ट बालकों की श्रेणी निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी जो है ST/SC बालकों को अपने अंदर सम्मिलित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 77, यदि बच्चे जिन्हें अल्प बुद्धि कहा जाता है निम्न में से क्या करने में सक्षम होंगे? तो ये कम से कम बेसिक ट्रेनिंग, बीइंग ट्रेनिंग इस बेसिक स्किल, वो आधारभूत कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा में कमजोर तथा मध्यमान से नीचे वाले छात्रों की सहायता के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सहायक है? तो इसके लिए एबिलिटी ग्रुपिंग युक्ति सहायक है। इसके द्वारा जो है कमजोर छात्रों को अच्छे छात्रों के साथ ग्रुपिंग करके उसको वो सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत कैटल के PF व्यक्तित्व सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रेट थ्योरी मुख्यतः आधारित है। अगला क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सा पद व्यक्तित्व के प्रचलित परिभाषाओं का हिस्सा नहीं है? तो जो है वो इसमें तटस्थ या जो है कहीं भी सम्मिलित नहीं होता, वैसे तो हम लोग नहीं तो ऐसे व्यक्तित्व के की परिभाषाओं में कि व्यक्तित्व जो है अद्वितीय विभिन्न गुणों का, शारीरिक या मानसिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, तो इसलिए इसमें तटस्थ कहीं नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 81, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान नहीं है? असफलता से भय जो है वो सृजनात्मक व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, एक सृजनशील बच्चे में निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व
विशेषता होगी। तो सृजनशील बच्चे में हमेशा विद्रोही प्रवृत्ति या कुछ नया खोजने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन व्यवहार सबसे कम सृजनशील मस्तिष्क का द्योतक है? तो अध्ययन में अध्यापक की सलाह का अनुसरण करना, ये सृजनशील सबसे कम सृजनशीलता का मस्तिष्क का द्योतक है। 84 क्वेश्चन नंबर, मूल आवश्यकताओं का निम्न में से कौन सा एक सही है? तो मूल आवश्यकता जो है उसमें पहले सबसे बड़ी बात होती है कि बेसिक नीड कंप्लीट हो, फिर सेफ्टी, फिर उसके बाद सम्मान। तो इसलिए ऑप्शन ये मैस्लो के अनुसार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, एक आत्मबोधी व्यक्ति निम्न में से कौन सा कार्य करना पसंद करेगा? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन जो है वो अनाथालय खोलना पसंद करेगा, क्योंकि वो अपनी सुख और दुखों से उठ करके दुनिया को मतलब खुश आनंद बांटने की तरफ अग्रसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 86, अपनी माँ की अनुपस्थिति में छोटा बच्चा जोर से रोता है, सर्वाधिक संभावित समस्या है कि बच्चा अनुभव कर रहा है, तो उसमें वो बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो रोता है। क्वेश्चन नंबर 87, मास्लो की मानवतावादी मनोविज्ञान का मूल तत्व निम्न में से कौन सा है? तो मास्लो बोलता है कि मनुष्य अपना अभाग्य विधाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88, निम्न में से किस में मानव तथा पशु में अंतर नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक जो है फिजिकल जो है नीड जितनी भी होती हैं, फिजिकल जितनी भी नीड होती हैं वो सारी नीड और मनोवैज्ञानिक नीड दोनों ही नीड जो है मानव और पशु में एक समान होती हैं। जैसे कि भूख, प्यास, नींद, काम, ये जितनी बायोलॉजिकल या फिजिकल नीड्स होती हैं वो सारी की सारी मनुष्य और पशु में दोनों में समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक उपलब्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सी वैधता न्याय संगत है? तो उपलब्धि परीक्षण के लिए कंटेंट वैलिडिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट वैलिडिटी ये निश्चित करता है कि जो पढ़ाया गया है वही टेस्ट में आए या फिर जो कंटेंट है वो उसे रिलेटिव है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमीशन 10+2 की क्रियान्वयन की संस्तुति नहीं की थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ने 10+2 की संस्तुति नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान की धारा 45 का संबंध जो है वो किससे है? तो वो भारतीय संविधान 45 का संबंध बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर व एजुकेशन से संबंधित है, जो कि 2002 के लगभग जब चेंजेज हुआ कि ये जब धारा 21 किस तरह जोड़ी गई 45 के अलावा, तब इसमें शिशु एवं देखभाल शिक्षा को भी छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 92, एक छात्र परीक्षा में निर्धारित अंक न मिलने पर फेल हो गया, यहाँ निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, एक पाठ की समाप्ति के बाद अध्यापक अपने छात्रों को गृह कार्य दिया है, इस प्रकार निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें अभ्यास का प्रयोग किया गया, ये 2009 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सी बात भारतीय संविधान में निहित समाजवादी मूल्यों से संबंधित है? तो समाजवादी नीति में क्या बोला जाता है कि सभी को बराबर इक्विटी लाने का प्रयास किया जाता है, इसके लिए संसद में सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, छात्र की लंबाई तथा भार में सार्थक सहसंबंध यह बताता है कि लंबाई भार एक साथ परिवर्तित होते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का वजन भी बढ़ता है। तो यहाँ पे और लंबाई और भार एक साथ सार्थक सहसंबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, किसी परीक्षण की विश्वसनीय ऋणात्मकता नहीं हो सकती, क्योंकि यह दर्शाती है परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध। ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97,
निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक को अधिगम के सिद्धांतों पर उसके काम के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था? तो पावलोव को उनके कार्य पर जो है नोबल पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो NLM, इसको NLM भी शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन, और ये 1988 में आया था। ऑफिसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे निकष संदर्भित विधि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 100, निदानात्मक परीक्षण निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो सामर्थ्य स्ट्रेंथनेस एवं वीकनेस जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे में क्या कमजोरी है, वो कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथनेस क्या क्या है। तो अगला क्वेश्चन 101, अधिगम की सहचर्यात्मक सिद्धांतों का मूल विषय होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिवेश मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था में विकसित करने वाला कार्य है जिसमें दक्षता प्राप्त की जाती है? तो इसमें व्यावसायिक चेतना जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, शैक्षिक अवसरों की समानता निम्न में से किस में निहित है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो शिक्षण की व्यक्तिगत विधि में निहित है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत का आधार है? तो उसका आधार जो है बोधात्मक आयोजन है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ये उसका आधार है कॉग्निटिव क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेष पहचान नहीं है? तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान नहीं है कि माता पिता पे वो निर्भर नहीं रहते, बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और जबकि अधिक डेडिंग और भौतिक विकास में तेजी, तर्क विकास ये सब में होता है लेकिन इसमें निर्भरता नहीं रहती। ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी रूप में मॉडिफाई करके दिया, 14, 15, 16, 17 सब में ये क्वेश्चन मुझे मिले, तो इसलिए इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, यह निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का विचार था कि परिवेश व्यक्ति को पूर्णतः बदल सकता है? तो ये बात इसकी वॉटसन ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा शब्द समूह अच्छे अध्यापक की परिभाषा देता है? तो अधिगम का सुसाधक जो है ये अच्छे अध्यापक की परिभाषा को देता है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के भावी नागरिकों में सामाजिक दूरी को कम करने के लिए शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 में सुझाव दिए, पड़ोसी विश्वविद्यालय के सुझाव दिए थे, किसने दिए थे? ये आपके कोठारी कमीशन ने दिया था इस ऑप्शन को, तो इसलिए इसका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, वर्तमान 2007 से 8 में भारत में साक्षरता की दर लगभग है? तो इसमें जो साक्षरता की दर थी वो 75 थी, अभी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 110, एक अन्वेषक किसी विश्वविद्यालय में छात्र सक्रियता पर शोध करना चाहता है, निम्न में से कौन सी न्यायदर्श विधि सर्वोत्तम होगी? तो इसमें उद्देश्य पूर्ण जो है न्यायदर्श विधि ज़्यादा प्रपोजिट ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111, एक समूह के दो परीक्षणों के प्राप्तांकों का सहसंबंध आर है, यदि एक परीक्षण के प्राप्तांकों को दुगना कर दिया जाए तो नया आर मिलेगा, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 112, प्राप्तांकों के एक समूह के मध्यमान तथा मानक विचलन एम तथा एस, यदि एक समूह एक अक्षर के सभी प्राप्तांकों को घटा दिया जाए तो क्या होगा? तो केवल यहाँ पे मध्यमान में परिवर्तन होगा लेकिन मानव विचलन में परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर
113 किसी समाज में शिक्षा का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ मुख्यतः निर्धारित होते हैं, तो मुख्यतः ये जो है ऑब्जेक्टिव और एम्स जो है वो सारी चीज़ें किसी भी दर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं। 114 निम्न में से कौन सी बात अधिगम और परिपक्वता के लिए सही नहीं है? अधिगम पहले होता है परिपक्वता से, ये बात गलत है। परिपक्वता के साथ ही अधिगम में वृद्धि होती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान की लब्धियों को अन्य परिस्थितियों के लिए सामान्यकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ऐतिहासिक अनुसंधान में, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 प्रयोगात्मक एक्सपोस्पैक्टो शोध कार्यों में निम्न में से कौन सी चीज़ सामान्य नहीं है? तो अनाश्रितोपचारों का परिचालन ये सामान्य नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक को कंट्रोल करके दूसरे का इफेक्ट दूसरे पे देखते हैं, जिसमें कंट्रोल पे हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करके उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखते हैं, ये प्रयोगात्मक में होता है। जबकि एक्सपोज फैक्टो में हम लोग जोड़ तोड़ नहीं कर पाते, तो इसलिए ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 प्राचीन काल में बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के समय जो धर्मानुष्ठान होता था उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता था वैदिक काल में उपनयन और ये बौद्ध काल में इसको पवज्जा बोलते थे, पजब्बा या पवज्जा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 118 गांवों से शहरों की तरफ जनता का सतत विस्थापन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 119 प्राप्तांकों का एक वितरण धनात्मक दिशा में विषम तिरछा है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें इसका हो जाएगा कि परीक्षण बहुत कठिन था। जब कोई भी एनपीसी में हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये नॉर्मल शेप में बेल शेप बनाता है, लेकिन यदि डेटा हमारा स्क्यूड होता है या एक दिशा में पॉजिटिव या निगेटिव रूप में झुका हो तो वहाँ पे स्क्यूड होता है, विषम होता है। तो विषम में भी ये पॉजिटिव स्क्यूड कब होगा, जब हमारा ये बीच से मीन से माइनस की तरफ झुका हो, माइनस की तरफ मोड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और पॉजिटिव स्क्यूड इसलिए होगा क्योंकि निगेटिव साइड में मार्किंग का तब होगी जब बच्चे कम से कम मिनिमम से औसत से भी कम नंबर ज़्यादा बच्चे पाए हों, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और औसत से नंबर कम कब क्यों पाते हैं बच्चे, क्योंकि परीक्षण बहुत कठिन हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 न्यायदर्शीय त्रुटि की विश्वसनीय माप जो सांख्यिकी अनुमान में सामान्यतः प्रयुक्त होती है वह है, वो क्या क्या बोल रहा है, न्यायदर्श त्रुटि की विश्वसनीय माप जो सांख्यिकी अनुमान में सामान्यतः प्रयुक्त होती है वो कहलाती है मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 121 निचली सामाजिक आर्थिक सतह वाले लोग उसी सतह वाले वर्गों की जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 122 लिखित सामग्री के वस्तुनिष्ठ तथा व्यवस्थित विश्लेषण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो इसके लिए कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 123 एक अध्यापक अपने कक्षा में बच्चों के भागने की प्रकृति का अध्ययन करना चाहता है, तो इसके लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी, तो इसके लिए वो ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 124 एक बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता प्राथमिक माध्यमिक तथा विद्यालय स्तर पर ज्ञात की गई, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है, तो विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वसनीयता न्यूनतम होगी, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है 125 नाच न आंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें प्रक्षेपण प्रोजेक्शन विधि का प्रयोग किया गया है,
किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, साइकिल चलाने का पर्याप्त अनुभव मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होता है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक आधार है, इसमें अधिगम स्थानांतरण हो रहा है और वो भी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल चलाना मोटरसाइकिल को और ज़्यादा प्रबलित कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127, विश्वसनीयता तथा वैधता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन जो है एक वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा ऑप्शन सही है, जबकि एक विश्वसनीय परीक्षण वैध हो या न हो ये आवश्यक नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई घड़ी है, यदि वो घड़ी राइट टाइम बताती है तो वो विश्वसनीय है, लेकिन एक घड़ी जो है वो विश्वसनीय है, मतलब हम उसको रोज़ रोज़ देख के जाते हैं कहीं पे, ये हमारे विश्वसनीय कि हाँ घड़ी बता रही होगी तो सही समय बताए, लेकिन हो सकता है वो 15 मिनट कम बताती हो, 15 मिनट लेट हो तो, या फिर 15 मिनट फास्ट हो, तो 15 मिनट फास्ट है वो हमारे लिए विश्वसनीय तो है कि हाँ ये इतना बज रहा है, लेकिन वो जो है वैध नहीं है क्योंकि वो 15 मिनट फास्ट है, तो इसलिए ऑप्शन ये चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता निम्न में से किस संबंध में अनुभव की गई थी, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुभव की गई थी। क्वेश्चन नंबर 129, एक अन्वेषक में दहेज प्रथा के बारे में कॉलेज के नवागंतुक छात्रों के विचारों का अध्ययन किया, उसके कामों को क्या कहा जा सकता है, इसको फील्ड इंक्वायरी क्षेत्रीय अन्वेषण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि आवश्यक अवयव है, तो कंट्रोल कंडीशन किसी भी एक्सपेरिमेंटल के लिए मस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।